की जानी मानी एक्ट्रेसेस दीपिका, प्रियंका चोपड़ा, ऐश्वर्या राय और कई सारे ऐसे नॉन फेसेस हैं जो हॉलीवुड में जाके अच्छा नाम कमा चुके हैं। दीपिका के पास एक सेपरेट हिंदी ट्रेलर है XXX द रिटर्न ऑफ जेंडर केज का। प्रियंका के क्वांटिको इनिंग्स ने उन्हें काफी सारी पब्लिसिटी दी है और ऐश्वर्या राय की भी ब्रीफ इनिंग्स जो कि बॉलीवुड में उन्होंने की हैं वो भी अननोटिस्ड नहीं रही हैं। इंडियंस को एक सेकंड भी नहीं लगता देव पटेल को एक्नॉलेज करने में हर बार जब वो एकेडमी अवार्ड के पार्ट बनते हैं, लेकिन उन लोगों का क्या जो बॉलीवुड में अपना करियर बनाने आते हैं। वो लोग सिर्फ एक बिकनी शॉट, शॉर्ट ड्रेसेस सीन और स्विमिंग पूल और सेक्स सिंबल बनके ही रह जाते हैं। अब क्वेश्चन ये उठ रहा है कि क्या रियली ये स्क्रिप्ट की डिमांड होती है या फिर बस ये रेसिज्म का एक पार्ट है। काफी शॉकिंग सी बात है अगर हम बात करें वरुणा अब्दुल्ला की जो सॉन्ग सुबह होने ना दे में दिखी थी, या फिर क्लाउडिया ससला की जो बलमा में दिखी, या फिर हेजल केज आ अंते अमलापुरम की। और इफ वी टॉक अबाउट याना गुप्ता एंड बाबूजी, किसी ने भी मेमोरेबल रोल बॉलीवुड में नहीं पाया है। वो सिर्फ फिल्म की एक USP बनी जिनका आइटम नंबर फिल्म का हिट होने का फॉर्मूला बन गया। सिर्फ कटरीना कैफ और सनी लियोनी जो हाफ इंडियन है, इन गर्ल्स ने आइटम नंबर से स्टार्ट करके बॉलीवुड में थोड़ा बहुत सक्सेस हासिल किया है। उसमें भी सनी लियोनी ने अपना फेम बिग बॉस से कमाया, जहां पर कटरीना कैफ के गॉडफादर सलमान खान रहे और वो पहुंच गई ऊपर। और अब तो हमने यही देखा है कि बॉलीवुड में पाकिस्तानी आर्टिस्ट फवाद खान से लेकर महिरा खान तक, अली जफर, आतिफ असलम, राहत फतेह अली खान, सभी लोग बैन हो चुके हैं। Bureau Report Team Indian Film History. For more updates, please subscribe Indian Film History.